यूआई डिजाइन और यूएक्स डिजाइन क्या है? मैं आपको बताती हूँ बड़े आसान लफ्जों में और इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी, तो चले। तो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट प्रियश आरजू, वेलकम टू करियर कैंप। तो यूआई और यूएक्स होता क्या है? ये आप अगर कहने के सब ब्रांच है ग्राफिक डिजाइन की, अगर आप बात करें कि इफ यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर तो आप आगे से इन दोनों चीजों में जा सकते हैं, अगर आप नहीं भी हैं देयर इज आल्सो फाइन। आपको सिर्फ कलर्स की अच्छी नोहा होनी चाहिए, आपको डिजाइन ओवरऑल क्रिएटिव होना चाहिए और आपको कंप्यूटर्स का पता होना चाहिए, देन यू कैन बिकम अ यूआई यूएक्स डिजाइनर। अब मैं आपको बताऊंगी कि यूआई डिजाइनर जो होता है वो क्या होता है। इसका मतलब होता है यूजर इंटरफेस डिजाइन, ठीक है, यूआई डिजाइन जिसको हम बोलते हैं। और जो यूएक्स डिजाइन है उसका मतलब होता है यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, ठीक है। अब जो दोनों चीजों में फर्क है उसमें एक में आ गया इंटरफेस नाम में और एक में आ गया एक्सपीरियंस। अब आपको नाम से थोड़ा सा समझ आएगा, मैं आपको पहले बताती हूँ इंटरफेस का। जो यूजर इंटरफेस है उसका मतलब है कि आपकी जो भी आप कोई भी एप्लीकेशन खोलते हो, सॉफ्टवेयर खोलते हो, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हो, तो जो आप सबसे पहले जो देखते हो है सामने लेआउट, वेबसाइट का डिजाइन क्या है या एप्लीकेशन का डिजाइन क्या है, रंग कौन से हैं, फॉन्ट कौन सा यूज हुआ, वेब शेप्स कौन सी यूज हुई है, डिजाइन किस तरह का है, वो कितना अट्रैक्टिव है और कितना ईजी टू यूज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाती है यूआई डिजाइन में, मतलब यूजर इंटरफेस डिजाइन में। और जब हम बात करते हैं यूएक्स डिजाइन की तो वो आ जाता है यूजर एक्सपीरियंस पे। उसमें क्या होता है कि आप इस चीज के बारे में बात करते हो कि कोई भी चीज इस्तेमाल करके, चाहे वो एक गेम है या फिर वो एक एप्लीकेशन है या कोई वेबसाइट है, वो यूज करते हुए एक जो यूजर है वो किस तरह का महसूस कर रहा है, हाउ गुड दे आर फीलिंग, और वो कितनी देर उधर ठहरेगा या उसका जो एक्सपीरियंस है उसका यूजर्स कितना आसान है। तो ये सारा ये डिफरेंस होता है कि जो इंटरफेस है वो फोकस करता है उसके कलर्स पे और उसके वो दिखता कैसे, उसके विजुअल एक्सपीरियंस पे, ठीक है। और जो यूएक्स है वो उसके इंटरनल जो आप कह लो फीलिंग्स पे, हाउ डज अ यूजर फील अबाउट इट। वो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करो तो अगर आपके पास दो एप्लीकेशन है, एक बहुत अच्छी चल रही है गेम है फॉर एग्जांपल, तो वो गेम में आप जब जाते हो आपको जितना अच्छा, वो आजकल बहुत धूम मची हुई है पबजी, तो जी उसका आप कह लो इंटरफेस जो है उसका कहाँ पे उसके बटन है, कंट्रोल्स है, फिर उनकी जो उन्होंने मैपिंग की हुई है, आर्किटेक्चर है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, लोगों को बड़ा, बच्चों को मतलब अट्रैक्टिव लगता है। और फिर उसका एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस यहाँ पर आ जाता है कि वो जब इन्होंने इस तरह का बनाया हुआ है कि छोटी छोटी गोल्स के बाद आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स मिल रही हैं, फिर आप दूसरों के साथ मिलके अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके खेल रहे हो तो फिर आपकी आपस में चैलेंजेस हैं, तो मुझे ये जो चीजें हैं ये एक्सपीरियंस बढ़ा रही है, ठीक है। और जहां तक उसके विजुअल्स की बात आती है वो इंटरफेस का काम है। ये एग्जाम्पल्स जो हैं ये दो डिफरेंट डिजाइन ग्रुप्स की हैं। अब आगे जाके हम बात करते हैं आपको ये सीखने के लिए जो स्किल सेट चाहिए, जो आपको सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए और जो सॉफ्टवेयर्स पता होने चाहिए, वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि दे आर द सेम। अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है, हमने डिफरेंस पे बात कर ली, अब हम बात करेंगे कि आपको इसके लिए क्या आना चाहिए। सबसे पहले आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए डिजाइन की, ठीक है, डिजाइन फंडामेंटल्स पे आप बात करें, ये हमने बात की हुई है और भी अपने आर्ट एंड डिजाइन से रिलेटेड जितनी हमने फील्ड्स का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसमें हमने बात की, आप वो जाएं देखें, आपको उसमें पता चलेगा कि उसमें कलर्स आ जाते हैं, कॉम्पोजिशन आ जाती है, आर्ट हिस्ट्री आ जाती है, ये थोड़ी चीजों की आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देन हेयर कम्स ग्राफिक डिजाइन स्पेसिफिकली, यस, क्योंकि यूआई यूएक्स डिजाइनर डिजाइन जो है उसी का आगे से एक ब्रांच है, तो आपको अगर ग्राफिक डिजाइन की थोड़ी बेसिक्स पता होंगी, अगर आपको ग्राफिक डिजाइन आता है तो इसका मतलब है कि आप मतलब अगर आपकी डिग्री उसमें नहीं भी है देन इवन देन आपको सिर्फ उसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए, उसके रूल्स और लॉज पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एंड यू कैन एक्सेल इन द फील्ड। फिर एक टर्म आती है HCI जिसका मतलब है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो इंसान है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी चीजें बनाई जा रही है इंसानों के लिए, ठीक है, उनके यूज के लिए, उनका इंटरेक्शन होता है इस चीज का, तो जो भी बंदा है वो एक फोन के साथ या फिर एप्लीकेशन के साथ या कंप्यूटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, वो क्या उससे एक्सपेक्ट करता है। अब क्योंकि हमारा इतना जदीद हो गया है कि हर चीज की ना कुछ हद तक ना एक्सपेक्टेशन
सेट हो गई है, तो आपको वो मीट करने के लिए उसकी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। तो इट्स ये आप जो टर्म है आपको इसको सर्च करें, इसका भी बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। देन अनदर चीज यू नीड टू नो इज वेब डिजाइन। जी, वेब डिजाइन जो है आपको, क्योंकि UI और UX डिजाइन ऑनलाइन चीजों के लिए, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आपको वेब डिजाइन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से सॉफ्टवेयर बिल्ड होते हैं, किस तरह से एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं, कोडिंग की बेसिक्स क्या है। आप वो डिवेलप नहीं करोगे जो, अच्छा ये मैं आपको एक और कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, अक्सर लोगों को ये नहीं समझ आती है कि ठीक है हमने UI डिजाइनर बन गया या UX बन गया, हमने वो चीज डिजाइन कर दिया, हाउ विल यू डिजाइन इट? ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर पे डिजाइन होगी जिसकी हम अभी बात करेंगे, लेकिन उसको आपने प्रैक्टिकली एक एप्लीकेशन पे कैसे लेकर आना है वो आपका काम नहीं है। आपने जो कंपनी को देनी है चीजें, जब तक आपको ग्राफिक डिजाइन का नहीं पता होगा या फिर आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होगी, आपको नहीं पता होगा कि एक वेबसाइट पे जो बैनर का साइज है वो कितना होना चाहिए, एक जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर अगर आपने कॉल बटन देना है उसका क्या साइज होना चाहिए, ठीक है, अगर आपने मेन्यू एक बनाना है, मेन्यू में वो देखे ना कॉम्पोजिशन होती है ना, प्रोपोर्शंस होते हैं, तो ये डिजाइन की बेसिक्स आपको पता होंगी तो आप एक चीज डिजाइन करोगे। आपने सिर्फ उस साइजेस पे, उन कलर्स पे, उस इंटरफेस पे आपने वो चीज बना के दे देनी होती है, और जब आप वो फाइल अगले को दे देते हो फिर वो जाती है एक डेवलपर के पास। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे हमने एक किया हुआ है वीडियो, हमने इंट्रोडक्शन सारा उसका दिया हुआ है, उसमें आपको पता चलेगा कि फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर वो एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या फिर वो वेबसाइट बनाता है और उसको प्रैक्टिकली यूज करने के काबिल बनाता है, ठीक है। तो आपका जो डायरेक्ट लिंक अगर होगा तो वो उनके साथ होगा, अगर आप लोग कोलैबोरेशन में कभी किसी टीम के साथ काम करेंगे तो आपका डेवलपर के साथ काफी काम होगा, तो आपको इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स भी आना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपना डिजाइन किसी को नहीं समझा सकते हो, आप अपनी आइडियाज किसी को नहीं समझा सकते हो, वो उसको उस तरह अप्लाई नहीं कर सकेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है ड्राइंग। यस, व्हाई इज ड्राइंग इम्पोर्टेंट? नाउ मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आर्ट और डिजाइन के हवाले में जब भी बात आती है तो ड्राइंग इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल उस तरह से कि अगर आपने मेडिकल में जाना है या आपने इंजीनियरिंग में जाना है तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए या उर्दू आनी चाहिए, आपको राइटिंग आनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको राइटिंग पढ़नी नहीं आएगी या लिखनी नहीं आएगी तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो यही बात ड्राइंग में है, डिजाइन में जो राइटिंग है उसकी जगह ड्राइंग जो है वो ले लेती है फर्स्ट इंपॉर्टेंस में। अगर आपको ऑब्वियसली आपको पढ़ना आएगा तो फिर ही ड्राइंग भी कर सकोगे, ड्राइंग आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है। वो अगर आपने सीख लिया तो आप हमारे ड्राइंग लेसन में जाएं, उसमें हमने बड़ी डिटेल में आपको ड्राइंग लेसन दिए हुए हैं, हमने डिवाइड किया हुआ है प्रोपोर्शंस पे, कॉम्पोजिशन पे और शेडिंग पे और फिर आपके साइजेस पे, शेप्स पे, फॉर्म्स पे, बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो आप बड़े अच्छे तरीके से आप सीख लोगे। फिर आती है बात UI डिजाइन और UX डिजाइनर बनने के लिए आपको कौन से सॉफ्टवेयर आने चाहिए। दिस इज द लास्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट और फाइनल चीज है। आपने सब चीजों की बेसिक सीखी लेकिन जब तक आपको सॉफ्टवेयर नहीं आएंगे आप उसको प्रैक्टिकली नहीं कर सकोगे, आप किसी को वो फाइल नहीं दे सकोगे। तो वो सॉफ्टवेयर कौन से हैं? उन सॉफ्टवेयर में आ जाता है Adobe XD, Adobe Illustrator, Photoshop, Figma, Sketch. स्केच जो है वो हमारे उसके एप्पल के जो यूजर्स हैं उनके लिए वो एप्लीकेशन है, क्योंकि अगर उनके पास विंडोज नहीं है तो उसमें ग्राफिक्स काम बड़े आराम से हो जाता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स जब आप सीख लेंगे तो इनके थ्रू वो डिजाइन किया जाता है, ठीक है। इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप का आपको पता है, इन पे मैं एक बनाऊंगी वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि Adobe इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में क्या फर्क है। मेजर फर्क जो है वो मैं अभी सिर्फ ये मेंशन कर देती हूँ कि जो वेक्टर बेस्ड है वो Adobe Illustrator पे डिजाइन बनते हैं और जो पिक्सल बेस्ड है वो फोटोशॉप में बनते हैं। पिक्सल्स जो है अगर आप जितना पिक्चर को बढ़ाओगे तो वो पिक्सल्स एक एक डब्बे में कलर डिवाइड हुआ होता है, वो शेप डिवाइड हुई थी वो फट जाता है। जो वेक्टर होता है वो एक फ्लैट इमेज होती है, जैसे लोगोज वगैरह हम देखते हैं एक फ्लैट कलर में, तो वो जितना मर्जी जूम इन और जूम आउट कर लो आपको वो फटता नहीं है, ठीक है, उसकी क्वालिटी नहीं कॉम्प्रोमाइज होती। इसीलिए ज्यादातर वेब डिजाइन में Adobe Illustrator यूज होता है, अनटिल और अनलेस आपने एक पिक्चर जो है उसको इन्वॉल्व करना हो उस डिजाइन में तो फिर फोटोशॉप की जरूरत पड़ती है, फिर उसके लिए आपको हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपने UI डिजाइनर या UX डिजाइनर बनने का सोचा है और आप उसको स्टार्ट नहीं ले पा रहे थे कि मैं कैसे करूं क्या करूं, तो हमने आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है।
आप इन चीजों को सर्च करें और जब आप ये चीजें कंप्लीट कर लेंगे, लेट अस नो. आई एम अश्योरिंग यू कि अगर आप हार्डवर्क के साथ और पैशन के साथ इस चीज में घुसेंगे, सिर्फ इतनी ही नॉलेज के साथ आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है, इन प्लेटफॉर्म्स पे आप जाएं और आप ना वहां पे प्रोफाइल बनाएं, आप अपने पोर्टफोलियोज बनाएं, आप लाइव एग्जांपल्स गूगल पे जाके सर्च करें, आपको वहां पे एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी कि आपको एग्जांपल एक्सरसाइजेस मिलती हैं. उसमें आपको पता होगा कि किसी ने ये डिमांड की हुई है, मैंने ये डिजाइन करना है, आप वो करें अपने तौर पे, क्योंकि इट कॉस्ट यू नथिंग. आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर होना चाहिए, आपके पास ऑलरेडी लैपटॉप होगा जिसके अंदर आपके पास सॉफ्टवेयर है, और आप वो प्रैक्टिस करें, वही आप अपने पोर्टफोलियो में डाल दें, एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग राइट आफ्टर दैट डे जब आपको एक पूरा प्रोजेक्ट बनाना आ जाएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप आपको कुछ समझ आ गई होगी. उम्मीद है कि ये काफी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी था और आसान था समझने के लिए. और हम मजीद इस पर भी बात करेंगे और भी फील्ड्स के बारे में. अगर आप भी किसी फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं या कोई आपके पास रिक्वेस्ट है तो हमें बताएं, हम उस चीज़ के बारे में आपको रिसर्च करेंगे, प्रॉपर एक होमवर्क करेंगे और उसकी भी नॉलेज जो है आप तक लेकर आएंगे इन्फॉर्मेशन. तो आपने लाइक करना नहीं भूलना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. ऑल्सो कॉमेंट बिलो इफ यू हैव एनी सजेशंस एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर चीज़ की अपडेट मिलती रहे. Till next video, thank you so much. Allah Hafiz.